नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फिश बाई प्रोडक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि फिश से या फिश के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं और उनका यूज क्या होता है। और हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के फिश ऑयल के बारे में कि एक फिश से किस टाइप से जो ऑयल है उसे ऑब्टेन किया जाता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन का मेन हेडिंग है वो है फिश बाई प्रोडक्ट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फिशेज, जिसमें हम देखेंगे कि फिश के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, फिश को किस टाइप से यूज किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो देखते हैं, और क्वेश्चन का सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन किस टाइप से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। फिशिंग मेन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिश के लिए डायरेक्टली फूड की फॉर्म में लिया जाता है, जो उसकी लाइफ की डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस करते हैं। हजारों ह्यूमन हंगर तथा मेल न्यूट्रिशन से सफर्ड हैं। हजारों लोग डेली भूख का सामना करते हैं, मेल न्यूट्रिशन से सफर्ड हैं, और कुछ बच्चे क्या कुपोषण के शिकार होते हैं। आगे देखते हैं, फिशेज इनका फूड सोर्स फॉर्म करती हैं, इसीलिए जो फिश क्या होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। ये फूड की फॉर्म में कंज्यूम की जाती हैं ह्यूमन के द्वारा, तथा न्यूट्रिशन डिफिकल्टीज को कंट्रोल करते हैं, और जो न्यूट्रिशन से होने वाली डिजीज और भुखमरी एंड हंगर की प्रॉब्लम को क्या करती है, दूर करती है। इनके अलावा इनके बाई प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स की बेनिफिशियल होते हैं। इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल या फायदेमंद होते हैं। अब देखेंगे हम कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं फिश के द्वारा या फिश से। बाई प्रोडक्ट ऑफ फिशेज, फिशेज में इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट फॉलोइंग है। तो देखते हैं, नंबर वन है फिशेज एज ए ह्यूमन फूड। फिश को ह्यूमन के द्वारा डायरेक्टली फूड के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, कुक्ड एंड रॉ मटेरियल, कच्चा भी और उसे कुक करके भी। तो देखते हैं इसमें किस टाइप से दे रखा है। फिशेज एंसेस्ट्रल टाइम से मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन डाइट रही है। फिशिंग इंसेस्ट्रल टाइम यानी कि एशियन टाइम में जो हमारे इंसेस्ट्रल थे, पूर्वज थे, उनके टाइम से लेकर अब तक ह्यूमन डाइट रही है, एक बेस्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन डाइट रही है। फिश डाइट प्रोटीन फैट तथा विटामिन ए सी डी प्रोवाइड कराती है। फिश में विटामिन ए सी डी क्या होती है, लार्ज अमाउंट में होती है, प्रोटीन्स होती है, फैट भी होती है। इनमें लार्ज अमाउंट में फॉस्फोरस तथा अदर एलिमेंट पाए जाते हैं। इनका टेस्ट पैलेटेबल तथा इजीली डाइजेस्ट होती हैं। इनका जो फिशल टेस्ट होता है वो क्या होता है, पैलेटेबल एंड स्वादिष्ट होता है, और ये इजीली क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिन्हें ट्रैप नेट की हेल्प से कैप्चर किया जाता है। और जो फिश होते हैं उन्हें ट्रैप नेट की हेल्प से किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। हमने आपको गियर एंड क्राफ्ट पढ़ाए, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेट्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं गियर एंड क्राफ्ट किस टाइप के नेट होते हैं और उनकी हेल्प से किस टाइप से फिशेज को कैप्चर किया जाता है। आगे देखते हैं, फिशेज के लैश को बाई कुकिंग तथा रॉ फॉर्म में खाया जाता है। जो फिश होते हैं उनका फ्लैश कुक करके, उसे पका के या उसे रॉ फॉर्म में कच्चा खाया जाता है। आगे देखते हैं कि हमारे कंट्री में कौन कौन सी फिशेज को ज़्यादातर कंज्यूम किया जाता है। इंडिया में मेजर कार्प जैसे लिबियो, कटला कटला, कैट फिशिंग जैसे माइस्टिस, क्लेरियाज ईटीसी, और हेरिंग्स, गुडिशिया, छपरा, हिल्सा को इंक्लूड किया जाता है। इस टाइप की फिशेज को हमारी कंट्री में फूड की फॉर्म में ह्यूमंस द्वारा कंज्यूम किया जाता है। अब देखते हैं हम सेकंड हेडिंग, फिश एज ए फूड ऑफ कैटल्स, जिसमें हम देखेंगे कि कैटल्स का फूड किस टाइप से बनाया जाता है, फिश के द्वारा
खलकी फॉर्म में। तो देखते हैं, ह्यूमन एंटायर फिश को इंगल्फ नहीं करता है। ह्यूमंस के द्वारा जो फिशेज होती हैं वो कम्प्लीटली इंगल्फ नहीं की जाती है, उनके जो बेसिक पार्ट हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। इनके रेसिड्यूल पार्ट को, जो वेस्टेज होते हैं उन पार्ट को आर्टिफिशियल फूड की फॉर्म में पाउट्री फिशेज तथा कैटल को प्रोवाइड कराया जाता है। जो फिश का कल्चर किया जाता है या जो कैटल पशु होते हैं उन्हें खल की फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है फिश के द्वारा बना हुआ फूड। आगे देखते हैं, इसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र रेवर फिश सर्डाइन से ऑब्टेन किया जाता है। इसे फॉर्म करने के लिए सबसे पहले इसे लार्ज पॉट में वाटर की सफिशियंट क्वांटिटी के साथ कुक किया जाता है। जो रेसिड्यूल या वेस्ट पार्ट होते हैं फिशेज के, उन्हें एक बड़ा सा पोट लेते हैं, उसमें सफिशियंट क्वांटिटी होती है वाटर की, उसमें क्या किया जाता है, कुक किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके बाद इसके मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है। जब फिश कुक्ड हो जाती है कम्प्लीटली, फिर उन्हें निकाल कर उनमें जो नमी है, मॉइस्चर है, उसे भी रिमूव किया जाता है। इसके लिए उन्हें सनलाइट की प्रेजेंट में सुखाया जाता है या ड्राई किया जाता है। आगे देखते हैं, तथा सन ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर्स में फिल कर दिया जाता है। एयर टाइट कंटेनर जहाँ पर एयर ना पहुँचे, जिससे जो फूड है कैटल्स का वो खराब ना हो। आगे देखते हैं, जिससे लॉन्ग पीरियड तक उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन रहे। इसमें लगभग 60% प्रोटीन तथा कैल्शियम फॉस्फेट की हायर परसेंटेज प्रेजेंट होती है जो कैटल्स का फूड होता है उसमें, जो कैटल्स के लिए मोर वैल्यूबल तथा लेस एक्सपेंसिव होती है, और ये चीफ अमाउंट में या सस्ते अमाउंट में मिल जाता है। कैटल्स का फूड कैटल्स के लिए मोर वैल्यूबल एंड मोर न्यूट्रिटिव होता है, जिसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम फॉस्फेट हाई परसेंटेज में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा सेकंड हेडिंग भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, किस टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं फिश के द्वारा। अब हमारा हेडिंग है थर्ड, फिश मेन्यू। मेन्यू होता है खाद या फर्टिलाइजर। तो देखते हैं किस टाइप से फिश से मेन्यू या फर्टिलाइजर बनाया जाता है और इसका क्या यूज होता है। फिशेज के वह पार्ट जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होते हैं, जैसे फिन्स, स्केल एंड इंटरनल ऑर्गन, जिन्हें ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है, फिश के वह पार्ट जो क्या होते हैं, अनफिट होते हैं, या फिर बैड प्रिजर्वेशन के दौरान वह स्पॉइल होने लगते हैं। जब फिश का बैड प्रिजर्वेशन होता है तो जो फिश होती हैं वो स्पॉइल एंड सड़ने लगती हैं, तो उन्हें एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। वेस्ट पार्ट ऑफ फिशेज एंड स्पॉइल ऑफ फिशेज को एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है क्रॉप में एंड प्लांट के प्लांटेशन में। आगे देखते हैं, इसे स्पेशली कॉफी, टी, टबैको तथा रबर प्लांटेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन तथा फॉस्फेट में रिच होते हैं। जो फिश होते हैं उनमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट का अमाउंट क्या होता है, रिच होता है। ड्यूरिंग पीक सीजन जब फिश की क्वांटिटी अधिक होती है पॉन्ड या लेक या रिवर में, जब फिश की लार्ज सप्लाई होती है और कैप्चर करके उनकी लार्ज सप्लाई होती है मार्केट के लिए, और भी स्पॉइल कंडीशन में आ जाते हैं। जब उनकी लार्ज सप्लाई मार्केट के लिए होती है तो ठीक से उन्हें प्रिजर्वेट नहीं किया जाता है, जिससे जो फिश होती हैं वो स्पॉइल कंडीशन में आ जाती हैं, सड़ने लगती हैं या खराब होने लगती हैं, तो उन्हें बीच पर सेपरेट करके सन ड्राई किया जाता है, और जो फिश होती हैं उन्हें बीच पर फैला दिया जाता है, उन्हें सन ड्राई किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंट में। अब ड्राइड फिशेज को, जो फिश सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उन्हें मैन्यूर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उन्हें क्रश कर दिया जाता है। फिश मैन्यूर में फिश के साथ साथ प्लांट की मिक्सिंग भी की जाती है। इस टाइप से
फिश मैन्यूल बनाया जाता है और उसका यूज क्रॉप एंड प्लांटेशन में किया जाता है। थर्ड हेडिंग भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब है हमारा फोर्थ हेडिंग फिश ऑयल। ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है और इम्पोर्टेंट है फिश ऑयल, जिसमें हम देखेंगे कि फिश ऑयल कितने टाइप का होता है और उसे किस टाइप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस टाइप से फिश की बॉडी से निकाला जाता है। तो देखते हैं, ये फिश का इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें रिच अमाउंट में विटामिन्स पाई जाती हैं और इसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाई जाती हैं फिश ऑयल के द्वारा। जो फैट सॉल्युबल जो फिश ऑयल होता है वो फैट में सॉल्युबल होता है। विटामिन जैसे ए डी के ई के लिए वेहिकल एक्ट करता है अदर एनिमल की बॉडी में, तथा सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड कराता है। अब हम देखेंगे कि जो फिश ऑयल है वो कितने टाइप का होता है और किस टाइप से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हमारी फोर्थ हेडिंग थी, अब हम सेकंड हेडिंग डालेंगे फर्स्ट करके, टाइप ऑफ फिश ऑयल। तो देखते हैं कितने टाइप का फिश ऑयल होता है। फिश ऑयल को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम कैपिटल ए हेडिंग करके डालेंगे, फिश लीवर ऑयल के बारे में पढ़ेंगे, और बी फिश बॉडी ऑयल। तो सबसे पहले देखेंगे हम ये फिश लीवर ऑयल किस टाइप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस टाइप का होता है और बॉडी के किस पार्ट से निकाला जाता है। इस टाइप का ऑयल फिश के लीवर से ऑब्टेन किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फिश लीवर ऑयल कहते हैं, जो ओनली लीवर से ही ऑब्टेन किया जाता है फिश के। इसके केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन, वाटर, कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन ए एंड डी ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। जब हम फिश ऑयल या फिश लीवर ऑयल देखते हैं तो उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें प्रोटीन, वाटर, कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन ए एंड डी प्रेजेंट होते हैं। ये परसेंटेज के बेस पर होते हैं जो अलग अलग सीजन में अलग अलग फिशेज में क्या होते हैं, वेरी करते हैं। आगे देखते हैं इनकी क्वांटिटी सीजन टू सीजन, फिश टू फिश वेरी करती है, और इनकी जो क्वांटिटी है प्रोटीन की, वाटर की, कोलेस्ट्रॉल की और विटामिन की, वो सीजन टू सीजन या फिश टू फिश बदलती रहती है या अलग अलग होती है। शार्क के लीवर में विटामिन ए का हाईएस्ट कंटेंट तथा फैट कंटेंट भी हाईएस्ट होता है। जो शार्क का लीवर होता है उसमें विटामिन ए एंड फैट कंटेंट्स क्या होते हैं, हायर क्वांटिटी में पाए जाते हैं जब इनका ऑयल निकाला जाता है तब। शार्क तथा कॉड फिश से ऑब्टेन लीवर ऑयल मेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन की फॉर्मेशन की जाती है। रियल में शार्क का लीवर ऑयल प्राइम वैल्यू का होता है, अच्छा वैल्यूबल ऑयल होता है शार्क लीवर ऑयल। इसका ऑयल कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसे मार्केट एंड इंडस्ट्रियल एरिया में सेल कर दिया जाता है। एक्सट्रैक्शन के बेस पर लीवर ऑयल को फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब हम देखेंगे फिश लीवर ऑयल को एक्सट्रैक्शन उनकी निकालने की प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे स्मॉल ए पेल कोड लीवर ऑयल, बी लाइट ब्राउन ऑयल, सी ब्राउन ऑयल। तो सबसे पहले देखते हैं ये पेल कोड लीवर ऑयल किस टाइप से फिश की बॉडी से, फिश के लीवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये किस टाइप का होता है। अब सबसे पहले देखते हैं नंबर ए। अब हमारा हेडिंग है स्मॉल ए पेल कोड लीवर ऑयल। देखेंगे किस टाइप का ऑयल होता है और किस टाइप की फिश से ऑब्टेंड एंड किस टाइप से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये फिश लीवर ऑयल का सबसे पहली कैटेगरी है जिसे हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो देखते हैं पेल मीन्स होता है एलोइस या पीला पड़ना, इसका जो कलर होता है ऑयल का वो थोड़ा एलोइस होता है, एलो होता है, और कॉड फिश जिसे एटलांटिक कॉड फिश कहते हैं उसके लीवर से ऑब्टेंड किया जाता है। एटलांटिक कॉड फिश आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होती है, इसके लीवर से लीवर ऑयल एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन किया जाता है। तो देखते हैं
ये ऐसी फिशेज से ऑब्टेन किया जाता है जिन्हें सी सॉल्ट से एलाइव लाया जाता है। जो लीवर ऑयल होता है, पेल कॉड लीवर ऑयल होता है, उसे ऐसी फिश से ऑब्टेन किया जाता है जो से या ओशियन से एलाइव फॉर्म में, जीवित फॉर्म में लाया जाता है। इन्हें सेक्रीफाइस करके लीवर को सेपरेट किया जाता है या फिश को डाइसेक्ट करके उसकी बॉडी से लीवर को सेपरेट या अलग किया जाता है। इसके बाद मेटल वेसल्स में बाई स्टीमिंग हीट किया जाता है और एक मेटल का पॉट लेकर उसमें लीवर को रख दिया जाता है और बाई स्टीमिंग हीट किया जाता है। हीटिंग के दौरान लीवर सेल्स की मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती हैं और जो लीवर की जो सेल्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन होती हैं वो बस्ट होने लगती हैं और जो ऑयल होता है वो रिलीज होने लगता है तथा ऑयल धीरे धीरे रिलीज होने लगता है जिसे अदर चैम्बर में कलेक्ट कर लिया जाता है और जो ऑयल रिलीज होता है उसे अलग एक चैम्बर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें विटामिन डी तथा ए बोथ प्रेजेंट होते हैं। जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें विटामिन डी एंड ए रिच फॉर्म में या रिच क्वांटिटी में पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसकी मेडिकल वैल्यू हाईएस्ट होती है और इसे मेडिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के क्या होते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या होता है, पेल कॉड लीवर ऑयल होता है जो एलोइस होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं सेकंड हेडिंग बी, लाइट ब्राउन लीवर ऑयल। तो देखते हैं इसे किस टाइप की फिश से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये किस टाइप का ऑयल होता है। इसमें फिश के डिसइंट्रेटेड लीवर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस टाइप की जो ऑयल है उसे एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन करने के लिए जो फिश हैं उसके विपरीत डिसइंट्रेटेड लीवर को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका यूज फार्मेसी में मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है और जो लाइट ब्राउन ऑयल होता है, लीवर ऑयल होता है, उसका भी यूज मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि एलाइव फॉर्म में फिश को लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिसइंट्रेटेड जो लीवर है वो विघटित फॉर्म में होता है, उससे जो ऑयल है उसे प्राप्त किया जाता है या फाउंड किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लाइट ब्राउन लीवर ऑयल कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है, जैसे आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्या होते हैं, इसके कैप्सूल होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें फिशेज के लीवर को डाइसेक्ट आउट करके, बॉडी से आउट निकाल के बाहर सेपरेट करके प्रिकल्ट किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग द्वारा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें भी विटामिन बी व विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं, बट ये थोड़े कम अमाउंट में होते हैं कॉड लीवर ऑयल के। अब हम देखेंगे थर्ड सी, ब्राउन ऑयल। तो देखते हैं कि किस टाइप की फिशेज से एंड किस टाइप से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका यूज फार्मेसी में नहीं किया जाता। जो ब्राउन ऑयल है इसका यूज मेडिकल पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन केवल स्टॉक फिशेज के लीवर से किया जाता है। जो प्रिजर्वेशन के लिए रखी हुई डेड फिश होती हैं उनकी लीवर से जो ऑयल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ब्राउन ऑयल कहते हैं। इसीलिए इसका यूज फार्मेसी या मेडिकल पर्पस के लिए नहीं किया जाता। इसका यूज टिनिंग लेदर, लेदर को फैलाने में, स्टील प्रिपरेशन, स्टील प्रिपरेशन के टाइम पर सॉप फॉर्मेशन, जो साबुन बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन में, पीटीसी में किया जाता है इसका यूज ब्राउन ऑयल का, जिसमें विटामिन डी ई ए तथा अदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड जैसे कोलेस्ट्रॉल फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन ये पुअर अमाउंट में होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा मेन हेडिंग था फिश टाइप ऑफ फिश ऑयल का बी, फिश बॉडी ऑयल। हमने लीवर ऑयल हमारे कंप्लीट हुए, जिसमें हमने थ्री टाइप के लीवर ऑयल पड़े फिश के। अब देखते हैं हम फिश बॉडी ऑयल, ये देखते हैं किस टाइप से फिश के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कौन कौन सी फिश से
इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखते हैं फिश बॉडी ऑयल, ये फिश के एंटायर बॉडी पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, जितने भी फिश में पार्ट होते हैं होल बॉडी होती है उससे क्या होता है ऑब्टेन होता है। इसमें नॉन एडिबल फिशेज या फिश पार्ट ऑफ फिशेज का यूज किया जाता है। वे फिश जो नॉन एडिबल होती हैं, जिन्हें खाया नहीं जाता है, जिनका फीड नहीं किया जाता है, और वेस्ट पार्ट ऑफ फिश का यूज किया जाता है फिश बॉडी ऑयल को एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन करने के लिए। इसमें हेरिंग, सर्डाइन, सैल्मन, शार्क इत्यादि का वाइडली यूज किया जाता है, जिनका बॉडी ऑयल बेस्ट एक्सट्रैक्शन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखेंगे किस टाइप से इन फिशेज की बॉडी से बॉडी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले फिश को क्रश करके पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। जो फिश होती है उसे सबसे पहले क्रश किया जाता है, फिर उसे पल्प में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसे स्टीम तथा प्रेशर में कुक किया जाता है। क्रश एंड पल्प में कन्वर्ट करने के बाद स्टीम में एंड प्रेशर में किया जाता है, उसे कुक किया जाता है, उसे पकाया जाता है। अब इसे प्रेस करके ऑयल को रिमूव तथा कलेक्ट कर लिया जाता है। जब कुक्ड हो जाती है कंप्लीट फिशेज जो क्रश हो चुकी है, उसे फिर प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है और उसमें से क्या निकलता है ऑयल रिमूव होता है, जिसे एक अलग चैम्बर में कलेक्ट कर लिया जाता है। बॉडी ऑयल लीवर ऑयल के कंपेरिजन में लेस वैल्यूएबल होता है। जो बॉडी ऑयल होता है उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो लीवर ऑयल होता है वो बेस्ट वैल्यूएबल होता है एंड उसका यूज फार्मेसी एंड मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं जो विटामिन ए तथा डी कंटेंट में पुअर होता है। जो फिश बॉडी ऑयल होता है उसमें विटामिन डी और ई कंटेंट होते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में कम क्वांटिटी में होते हैं। ह्यूमन कंज्यूम्पशन के लिए बॉडी ऑयल अनसुटेबल होता है, इसमें विटामिन ए और डी भी कम पाई जाती है, इसीलिए ह्यूमन के द्वारा बॉडी ऑयल को कंज्यूम नहीं किया जाता है, बट लीवर ऑयल को मेडिसिन की फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। आगे देखते हैं इसीलिए इनका यूज सॉप, कैंडल, साबुन बनाने में, कैंडल मोमबत्तियाँ बनाने में, पेंट्स बनाने में और बार्निश, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में, प्रिंटिंग इंक बनाने में, इंसेक्टिसाइड ईटीसी को फॉर्म करने में किया जाता है फिश बॉडी ऑयल का यूज। आगे देखते हैं इसका यूज सिट्रस प्लांट के लिए एज ए फंगीसाइड यूज किया जाता है, और जो सिट्रस प्लांट होते हैं जैसे नींबू का पेड़, संतरे का पेड़, उस पर जो फंगी हो लगी होती है उन्हें रिमूव करने के लिए फिश बॉडी ऑयल का यूज एज ए फंगीसाइड किया जाता है। यहाँ पर हमारा फिश बॉडी ऑयल भी कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है फिफ्थ, हमारा फोर्थ हेडिंग हो गया जिसमें हमने पढ़ा था फिश ऑयल। अब है हमारा फिफ्थ हेडिंग फिश आइजिंग ग्लास। तो देखते हैं फिश आइजिंग ग्लास क्या होता है, किस टाइप से इसे प्रिपेयर किया जाता है फिश से और इसका यूज क्या होता है। इसे कैटफिशेज, कार्प, कॉडफिशेज के स्विंग ब्लैडर या ईयर ब्लैडर से ऑब्टेन किया जाता है आइजिंग ग्लास को। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है आइजिंग ग्लास होता है, जो स्विंग ब्लैडर या ईयर ब्लैडर से ऑब्टेन किया जाता है, बिकॉज इसमें कोलेजन फाइबर का हाई अमाउंट पाया जाता है। ये कोलेजन फाइबर का क्या है बना होता है, ये एक शाइनी पाउडर की फॉर्म में होता है, एक चमकदार पाउडर की फॉर्म में प्राप्त होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले डाइसेक्ट करके ब्लैडर वॉश करते हैं। जो आइसिंग ग्लास है उसकी प्रिपरेशन के लिए फिश की बॉडी से डाइसेक्ट करके ब्लैडर को ऑब्टेन किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, फिर उसे वॉश किया जाता है, जिससे ब्लड तथा अदर मैटर रिमूव हो जाए। जो ईयर ब्लैडर पर या स्विंग ब्लैडर पर ब्लड वेसल्स या अदर मैटर्स लगे होते हैं वो रिमूव हो जाए वॉश करने के बाद। अब देखते हैं आगे, अब इसकी आउटर लेयर को स्क्रब करके
जो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर है उसकी आउटर लेयर को करते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, काट देते हैं, तथा रिमाइनिंग पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है उसे वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, जिससे वह ग्लूटिनियस एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है या बनता है, जिसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो ग्लूटिनियस सब्सटेंस बनता है उसमें एडहेसिव या चिपकने की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। आइजिंग ग्लास का यूज वाइन, जो वाइन पीने वाली होती है, बियर तथा विनेगर को क्लेरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और इसे एज ए एडहेसिव या अटैचमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। हमारा फिफ्थ हेडिंग भी कंप्लीट हुआ, अब है हमारा सिक्स हेडिंग फिश ग्लू। देखते हैं फिश ग्लू किस टाइप से फिश से बनाया जाता है और क्या इसका यूज होता है। ये एक स्टिकली सब्सटेंस है, जो फिश ग्लू होता है वो एक एडहेसिव प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस होता है, जो डिफरेंट बेस जैसे बोन्स, स्केल, फिन्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जो फिश के बोन, स्केल, फिन्स द्वारा क्या हो बनाया जाता है, इन्हें वॉश करके, जो फिन्स, स्केल या बोन्स होती है उसे वॉश करके एसिटिक एसिड CH3COOH में कुक किया जाता है, जिससे एक लिक्विड सेपरेट होता है। लिक्विड सेपरेट होता है जो कंडेंस होकर, जो संघनित होकर या जमकर फिश ग्लू फॉर्म करता है। जो लिक्विड सेपरेट होता है बाद में संघनित होकर या कंडेंस्ड होकर फिश ग्लू की क्या करता है फॉर्म करता है या फॉर्मेशन करता है, उसे ही क्या कहते हैं फिश ग्लू कहते हैं। इसमें पेपर, फाइल्स, वुड, लेदर, ग्लास के लिए स्ट्रॉन्ग एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है इन्हें चिपकाने के लिए। इसे स्पेशली कॉर्ड तथा स्ट्रेजन से ऑब्टेन किया जाता है। कॉर्ड और स्ट्रेजन क्या होते हैं फिश होते हैं, उनके फिन्स, स्केल, बोन्स से इसे बनाया जाता है। अब है हमारी अगली हेडिंग सेवन फिश पर्ल। देखते हैं किस टाइप का फिश पर्ल होता है। जो पर्ल है वो ऑयस्टर से प्राप्त होता है, बट यहाँ पर आर्टिफिशियल फिश पर्ल बनाया जाता है, तो देखेंगे किस टाइप से इसे प्रिपेयर किया जाता है। जो पर्ल है वो ऑयस्टर पिंक डाटा पर्ल के जिससे बेस्ट पर्ल प्राप्त होता है, जिसे हम सीप भी कहते हैं। देखते हैं किस टाइप से फिश पर्ल को प्रिपेयर किया जाता है। सर्टेन स्प्रिंगलेट फिशेज जैसे गोल्ड फिशेज के स्केल को स्क्रैप करके जो मटेरियल ऑब्टेन होता है उसका यूज हॉलो ग्लास बीड की, जो हॉलो खाली शीशे का जो मोती होता है उसकी क्या कहते हैं पॉलिश में यूज किया जाता है। गोल्ड फिश के स्केल को स्क्रैप करके, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्या होते हैं गोल्ड फिश होती है, इसके जो स्केल्स होते हैं उन्हें स्क्रैप करके जो मटेरियल प्राप्त होता है उससे ग्लास बीड को क्या की जाती है पॉलिश की जाती है उसकी, जिससे वो एक पर्ल की तरह दिखाई देने लगता है। आगे देखते हैं, अब इस बीड के अंदर बैक्स फील्ड कर दिया जाता है। जो खाली शीशे का मोती होता है, हॉलो ग्लास बीड होता है, उसके अंदर वैक्स फील्ड कर दी जाती है जो सॉलिडनेस प्रोवाइड कराता है, जिससे जो पर्ल है वो सॉलिड हो जाता है। अब इसे एज ए आर्टिफिशियल फिश पर्ल ज्वेलरी में यूज किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की ज्वेलरी में यूज किया जाता है पर्ल के लिए, फिश पर्ल के लिए। ये भी हमारी हेडिंग कंप्लीट हुई। अब है हमारी एट फिश इंसुलिन। तो देखते हैं फिश इंसुलिन किस टाइप से ऑब्टेन किया जाता है फिश से। लार्ज साइज्ड फिशेज के पैनक्रियाज को डाइसेक्ट करके इंसुलिन हार्मोन ऑब्टेन किया जाता है। शार्क का पैनक्रियाज इंसुलिन रिच होता है। जब ह्यूमंस की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी बॉडी में डायबिटीज डिजीज अपीयर हो जाती है, जिसे शुगर भी कहते हैं। ये भी हमारी हेडिंग कंप्लीट हुई। अब है हमारी नाइन फिश एज ए लार्विसीडियल। तो देखते हैं किस टाइप से फिश का यूज लार्विसीडियल फॉर्म में किया जाता है। हमने लार्विसीडियल का एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको करा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखते हैं किस टाइप से इसका यूज किया जाता है लार्विसीडियल के फॉर्म में। फिशेज स्टिंगनेंट वाटर में डिजीज कैरियर इंसेक्ट सच एज मस्कीटो
की लार्वा पर फीडिंग करते हैं। जो फिश होती है लार्विसीडल, वो इंसेक्ट की जैसे मस्कीटो के लार्वा एंड उनके एग पर क्या करती है, फीड करती है। जहाँ पर जो पानी रुका हुआ होता है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरियर इंसेक्ट क्या होते हैं, एपियर होने लगते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज को क्या करते हैं, एपियर करते हैं अदर एनिमल्स में। आगे देखते हैं उन्हें लार्वी बोरस या लार्वी सीडल फिशेज कहते हैं, जो मस्कीटो के लार्वा पर, एग पर, उनकी प्यूपा पर फीड करते हैं। फिशेज का यूज मस्कीटो कंट्रोल में रिसेंटली किया जा रहा है। ये चीफर तथा नॉन टॉक्सिक होते हैं। जो फिश का यूज मस्कीटो कंट्रोल में किया जाता है वो चीफर सस्ती होती हैं और नॉन टॉक्सिक होती है। उनकी वजह से जो वाटर है वो टॉक्सिक नहीं होता है। इसीलिए मस्कीटो कंट्रोल के साथ साथ वाटर पॉल्यूट और टॉक्सिक होने से बचाती हैं। जैसे गैम्बूसिया, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।